तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों देखिए, आज हमारे सभी खिलौने एक दूसरे से नाराज है बच्चों, और ये एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों। जैसे कि बच्चों ये देखो, यहाँ पे हमारे बत्तख के ऊपर बच्चों एक ही बच्चा बैठा है, बाकी के दो बच्चे देखो बच्चों यार नाराज हुए पड़े हैं। अरे बत्तखू, तुम क्यों नाराज हो भाई? आखिर अपने माता पिता से कोई नाराज होता है क्या? भैया भैया, मैं क्या करूं, मैंने मम्मी से 5 रुपए मांगे थे नान कटाई करने के लिए, लेकिन मेरी मम्मी मुझे पैसा नहीं दी, इसलिए मैं भाग गया। अरे बत्तखू, तू मुझसे मांग लेता, मैं तुझे पैसा दे देता। तो देखो बच्चों, ये वाला बत्तखू तो मान गया। अब ये वाला बत्तख क्या कर रहा था बच्चों, इसका भी प्रॉब्लम अलग है। भैया भैया, मुझे तो पढ़ने जाना था, लेकिन माँ, मेरी बत्तख माँ मुझे पढ़ा नहीं रही है। अरे बत्तखू, तुम क्यों नहीं पढ़ा रहे अपने बच्चे को? अगर तुम्हारा बच्चा पढ़ लिख लेगा तो कुछ बढ़िया आदमी बन जाएगा, इसे जरूर पढ़ाओ। और यहाँ पर देखो बच्चों, हाथी दादा। अरे हाथी दादा, आप कहाँ गए थे? अरे मैं तो गया था घूमने फिरना, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मैं घूमते घूमते कुछ ज़्यादा ही दूर चला गया। मेरा रेस्क्यू पंजाब से हुआ है, मुझको पंजाब से बुलाया गया है, वो भी हेलीकॉप्टर के थ्रू। अरे बाबा, मैं क्या बताऊँ, मैं कितना दूर चला गया था जी। अरे बत्तख, ये देखो, ये हाथी दादा कितना दूर चले गए थे। तो हाथी दादा को भी बच्चों पीछे कर देते हैं। और यहाँ पर देखो क्या फंसा पड़ा है, हमारा हप्पू हाथी तो बच्चों ड्रम ही नहीं बजा पा रहा है, क्योंकि बच्चों हमारे हप्पू हाथी के ड्रम के नीचे तो बच्चों एक हायाबूसा आकर के फंस गया है। अरे भाई साहब, आप बचाइए मुझे जल्दी से, मेरे घर शादी है, लेकिन मुझे ड्रम बजाना है, और यह है कि मेरे ड्रम के नीचे फंसा हुआ है। प्लीज भाई साहब मुझे बचाइए, प्लीज बचाइए भाई साहब मुझे बचाइए। अरे मैं अभी निकालता हूँ इस हायाबूसा को। तो देखिए बच्चों, हम धीरे धीरे हायाबूसा को निकाल रहे हैं, लेकिन बच्चों हायाबूसा के साथ साथ तो हाथी भी आ जा रहा है बच्चों। अरे यार, हायाबूसा कितना जोर से फंसा हुआ है, ये देखो बच्चों, ये तो निकलने का नाम ही नहीं दे रहा है। जिधर हम घुमा रहे हैं उधर ही हाथी को आना पड़ रहा है बच्चों। अरे भाई साहब, प्लीज जल्दी निकालिए। अरे ये तो निकल गया बच्चों। अरे वाह, हमारा हप्पू हाथी आजाद हो गया। तो जाओ हाथी राजा, तुम बाजा बजाओ। अरे वाह, हप्पू हाथी बाजा बजाने लगे, अब इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है बच्चों। बाकी मैं आप लोगों को खिलौने दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे अपाचे हेलीकॉप्टर है, ये ऊँट है बच्चों, ये हमारा टॉम है, ये हायाबूसा है बच्चों, ये हमारी हिरण है, और ये बच्चों गाय हमारी सोई पड़ी है, क्योंकि गाय का तबीयत बच्चों थोड़ा ख़राब है। और ये देखिए बच्चों, हमारा ट्रक, ये मॉन्स्टर ट्रक, और ये जेसीबी, और वहाँ पे बड़ा ट्रक, और ये छोटा जेसीबी। अरे बच्चों, ये जेसीबी तो मैं परेशान हो गया हूँ, ये जेसीबी बच्चों कुछ काम ही नहीं करता है, जैसे कि आप लोग नहीं कर रहे हो बच्चों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, तो प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, प्लीज़ बच्चों, प्लीज़ प्लीज़ बच्चों। Bye.